नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम संविधान निर्माण की क्लास को पूरा करने के बाद संविधान की विशेषताएं इस टॉपिक पर आज का लेक्चर प्रारंभ करेंगे। संविधान की विशेषताओं को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस संविधान के आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित हो रही है, वहाँ की राज्य व्यवस्था का क्रियान्वयन हो रहा है, तो वहाँ के संविधान की विशेषताओं को जानने के बाद हम वहाँ की राज्य व्यवस्था को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में संविधान एवं राज्य व्यवस्था के आगामी विषय पर, आगामी टॉपिक पर कोई लेक्चर प्रारंभ किया जाए, इससे पूर्व में हम पूर्व में संविधान के निर्माण टॉपिक को पूरा करने के बाद संविधान की विशेषता टॉपिक पर चर्चा करना उचित और समीचीन समझते हैं। तो आइए हम संविधान की विशेषता नामक टॉपिक को लेते हैं और इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रस्तावना, तो संविधान की विशेषता को आज हम प्रस्तावना के रूप में प्रारंभ करते हैं क्योंकि संविधान की पहली विशेषता यही है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान किया गया है। तो प्रस्तावना एक संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक भी है और यह विशेषता टॉपिक के अंतर्गत भी लिया गया है। तो इससे हम प्रस्तावना से शुरू करके संविधान के अन्य प्रावधानों को देखेंगे। तो हम प्रस्तावना को आज के लेक्चर में शामिल करते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत हम अर्थ और महत्व को देखेंगे। किसी भी टॉपिक पर जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी उससे संबंधित प्रावधान का संकलन होता है, उसके पूर्व में उन सभी विषयों से संबंधित एक सामान्य सूचनात्मक प्रावधान होता है। उस सामान्य सूचनात्मक और संक्षिप्त प्रावधान को प्रस्तावना कहा जाता है। यह प्रस्तावना संविधान के पूर्व में एक चैप्टर के रूप में प्राविधानित किया जाता है। उसी तरीके से भारतीय संविधान में भी पूरे संविधान के सार तत्व को संक्षिप्त रूप में इसके पहले चैप्टर में प्राविधान किया गया है और इसे ही संविधान का प्रस्तावना कहा जाता है। संविधान के प्रस्तावना में पूरे संविधान के सार तत्व, उसके दर्शन, उसकी विशेषताओं, यहाँ की शासन प्रणाली, यहाँ के शासन प्रणाली के उद्देश्य इत्यादि पर चर्चा की गई है। और अगर यहाँ के प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन किया जाए या उसको पढ़ा जाए, तो उसके आधार पर एक आकलन ये निकाला जा सकता है कि पूरे संविधान के द्वारा देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की जा रही है या की गई है। तो इस तरीके से संविधान के प्रस्तावना में काफ़ी कुछ सार तत्व के रूप में, पूरे संविधान की व्यवस्था के रूप में, वहाँ के दर्शन के रूप में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्रस्तावना को संविधान में रखने के कई महत्व हैं, हम इस महत्व को देखेंगे क्योंकि संविधान के प्रस्तावना से इसके स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि स्रोत जो है, भारतीय संविधान का स्रोत या यहाँ के लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में शक्ति का स्रोत अंतिम रूप से जनता है। तो ये स्रोत जो है वो शक्ति और संविधान के रूप में जनता में निहित है और भारत में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में अंतिम सत्ता भी जनता के पास होती है, तो यहाँ पर संविधान का स्रोत भी जनता को बताया गया है ताकि लोकतंत्र की भावना को सिद्ध किया जा सके और लोकतंत्र की भावना के अनुरूप एक कानूनी ढांचे के रूप में संविधान की व्यवस्था की जा सके। तो यहाँ पर स्रोत जो है भारतीय संविधान की, वो यहाँ की जनता है। दूसरा, परिवर्तन तिथि, इस चीज का भी उल्लेख मिलता है कि हमारा संविधान किस तिथि से अंगीकृत किया गया है और अधिनियमित किया गया है, तो वो 26 नवंबर 1949 है। प्रस्तावना के माध्यम से स्वरूप के बारे में भी जानकारी होती है कि संविधान के द्वारा जिस शासन व्यवस्था की देश में स्थापना की जा रही है, जिससे देश के जनता के कल्याण के लिए कार्य किए जाए, उस शासन व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा, उसकी भी जानकारी हमें प्रस्तावना के माध्यम से होती है। और इसका स्वरूप समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये चार शब्द हैं और ये चारों शब्द ही देश की शासन व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। इन चारों शब्दों पर हम
संक्षिप्त रूप में अलग से चर्चा करेंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये चार शब्द हैं जिसके माध्यम से हमें पूरे शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला है उद्देश्य। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित एक व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली की स्थापना करना है, जिससे समतामूलक समाज की स्थापना हो सके और जनता का कल्याण किया जा सके, समाज के सभी लोगों को समाज और विकास के मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। ऐसी स्थिति में इसका उद्देश्य यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित एक व्यवस्था की स्थापना करना है। तो ये चारों चीजें प्रस्तावना के माध्यम से स्पष्ट होती हैं, जो इसके महत्व को परिलक्षित करती हैं। तो इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि प्रस्तावना के अर्थ और महत्व, ये दोनों चीजें प्रस्तावना के अंतर्गत शामिल हैं। और अगर प्रस्तावना से संबंधित मुख्य परीक्षा में भी सवाल पूछता है टिप्पणी के लिए, तो आप उसके अर्थ और महत्व को जरूर देखिएगा। प्रस्तावना से संबंधित दो और बिंदु हैं जिस पर चर्चा करना आवश्यक है, इससे भी संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर संविधान का भाग है या नहीं, प्रस्तावना के संदर्भ में इस तरीके के सवाल कभी कभी उत्पन्न होते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इस संदर्भ में कुछ न्यायिक निर्वचन हुए हैं समय समय पर, जिसको देखना आवश्यक है, जो कि आपके उत्तर लेखन को और प्रभावी बना सकता है। 1960 ईस्वी में बेरुआरी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में संविधान का निर्वचन करने के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। उसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया वो ये था कि संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किस आधार पर है, तो ये कहा जा सकता है कि संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था, ऐसी स्थिति में ये संविधान का भाग है। तो यहाँ पर संविधान का भाग है या नहीं, तो इसमें है, इसको हम देखिए, नहीं गलत है, संविधान का भाग है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने न्यायिक निर्वचन में स्पष्ट किया है। दूसरा, ये परिवर्तनीय है या नहीं, तो इस संदर्भ में यह कहना है कि जहां पर प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया है, वहीं पर यह परिवर्तनीय के वर्ग में नहीं आता है। संविधान के जिस तरीके से अन्य प्रावधान हैं, उसे लागू करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जा सकती हैं, लेकिन प्रस्तावना की बात को लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय का सहारा नहीं ले सकता है। ऐसी स्थिति में ये परिवर्तनीयता के संदर्भ में जो इसकी यथा स्थिति है, वो नहीं के रूप में है। तो यहां से दो सवाल बनते हैं मुख्य रूप से, कि संविधान का भाग है या नहीं, यह परिवर्तनीय है या नहीं। तो इन दोनों ही रूपों में इसकी व्याख्या आपके सामने स्पष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से प्रस्तावना के अंतर्गत अर्थ, महत्व, संविधान का भाग है या नहीं, यह परिवर्तनीय है या नहीं, इस चीज की और इस रूप की व्याख्या की जाती है। लेकिन हमने यहाँ पर स्वरूप के अंतर्गत चार महत्वपूर्ण शब्दावलियों का उल्लेख किया था, जिसको अलग से समझ लेना आवश्यक है, ताकि इससे आपकी उस प्रकार के शब्द और उसके क्रियान्वयन के बारे में एक समझ पैदा हो सके। समाजवादी, मूल रूप से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को सम्मिलित किया गया। तो इन तीनों शब्दों के साथ में समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में संविधान के द्वारा जिस शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, उस शासन व्यवस्था का उद्देश्य समाजवादी है, समतामूलक समाज की स्थापना करना है, सभी लोगों को विकास और समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है, जिससे एक न्यायप्रिय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था की स्थापना किया जा सके। तो इस तरीके से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से
यहाँ पर समाजवादी शब्द को प्रविष्ट किया गया और इसके माध्यम से यहाँ पर एक समता मूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा गया। तो इस तरीके से समाजवादी शब्द का यह अर्थ है। कभी कभार मुख्य परीक्षा में जो वर्तमान समय में जीएस के पेपर का पैटर्न है वहाँ पर समाजवादी व्यवस्था या समाजवादी शब्द पर टिप्पणी के लिए भी पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इसके सम्मिलित होने की तिथि और अधिनियम में जो परिवर्तन हुआ है उसके उल्लेख करने के साथ साथ इसके अर्थ को आप बताएंगे, इसके प्रावधान को बताएंगे, भारतीय राज व्यवस्था में यहाँ की शासन प्रणाली के जो उद्देश्य है उससे समाजवादी समाज के ढांचे को सिद्ध करने का आप प्रयास करेंगे। समाजवादी लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक कहने का तात्पर्य है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस बात को स्पष्ट करती है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। जिस तरीके से संस्थात्मक शासन प्रणाली राष्ट्र व्यवस्थापक कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक समन्वय स्थापित किया गया है उससे भी लोकतंत्र की भावना को स्पष्ट किया गया है। लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। लोकतांत्रिक लोकतंत्र लोकतंत्र का तात्पर्य एक ऐसी शासन प्रणाली से है जहां पर शासन व्यवस्था की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है और समय समय पर होने वाले चुनाव में वह जनादेश के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और उन प्रतिनिधियों के आधार पर कार्यपालिका अर्थात सरकार का गठन किया जाता है और यह मान करके चला जाता है कि जो कार्यपालिका नीतियों का निर्माण कर रही है, जनता के हित में शासन संचालित कर रही है, वो कहीं ना कहीं उन प्रतिनिधियों के द्वारा चुनी गई है या उन प्रतिनिधियों में से चुनी गई है, बनाई गई है, गठित की गई है जिसे जनता ने चुना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वो जनता की भावना को अभिव्यक्त करती है और उसका ये दायित्व तो होता है कि एक निश्चित कार्यकाल के लिए, जैसा कि भारत में 5 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है, उस 5 वर्ष के दौरान वो देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, जनता को अधिकार देने के रूप में, उसको कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के रूप में नीतियों का निर्माण करे, कानून बनाने का कार्य करे। तो इस तरीके से लोकतांत्रिक शासन के माध्यम से देश की अंतिम सत्ता जनता के हाथों में शक्ति निहित की गई है और सरकार से अपेक्षा की गई है कि उसके हित में शासन का संचालन करे। क्योंकि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में अंतिम अदालत कार्यालय सरकार के लिए अंतिम अदालत जनता होती है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक दलों को जनता के न्यायालय अदालत में जाना होता है और वह उसका निर्णय करती है कि आगामी चुनाव में किसको सरकार बनाया जाए और किसको नकारा जाए। तो इस तरीके से लोकतंत्रीय शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई है। पंथ निरपेक्ष ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। भारत चूंकि सांस्कृतिक आधार पर एक विविधता वाला देश है, यहाँ पर कई बार इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, राजनीतिक दलों को लगते हैं, सरकार को लगते हैं, सरकार के विभिन्न प्रकार के अंगों को लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस शब्द का और इसके क्रियान्वयन को समझना बहुत आवश्यक है। पंथ निरपेक्षता जो शब्द है उसका अर्थ ये है कि जिस भी देश में पंथ निरपेक्ष व्यवस्थाएं या पंथ निरपेक्षता से संबंधित प्रावधान को लागू किया जाता है, अपनाया जाता है, वहां पर राज्य का कोई अपना व्यक्तिगत धर्म नहीं होता है, वहां के नागरिकों को इस बात की आजादी होती है, इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वो किसी भी धर्म का पालन करने, अपनाने, प्रचार प्रसार करने की छूट पाते हैं। यहां पर इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रचार प्रसार का जो दायरा है वो एक निश्चित सीमा तक ही दिया गया है। प्रचार इस तरीके से किया जाए जिससे कि दूसरे पंथ के जो भी विश्वास हैं, जो भी संस्कृतियां हैं, वो प्रभावित ना हो। जैसे जबरन धर्म परिवर्तन, यह एक नकारात्मक व्यवस्था है और भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था में उसका विरोध किया गया है। धर्म परिवर्तन कराना यह एक नकारात्मक धार्मिक विशिष्टता है और इसका भारतीय संविधान, राजव्यवस्था एवं संविधान के द्वारा विरोध किया जाता है, इसका समर्थन नहीं किया जाता है। समर्थन धार्मिक स्वतंत्रता का
वहीं तक किया जाता है जहां तक वह व्यक्ति अपने संस्कृतियों को, अपने मूल्यों को संजोने के लिए उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन वो किसी धर्म में अनावश्यक हस्तक्षेप और जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करता है। यह व्यवस्था एक सामाजिक सामंजस्य के लिहाज से उचित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में निरपेक्षता का मतलब यह है कि धर्म के मामले में राज्य निरपेक्ष होगा, सापेक्ष का मतलब होता है कि उसकी तरफ झुकना, लेकिन निरपेक्ष का मतलब यह है कि उस पर उसका कोई मत नहीं होगा, उस पर कोई समर्थन नहीं होगा, ना तो उसका अपना कोई धर्म होगा। व्यक्ति के ऊपर है कि वह इस प्रकार के विषयों में निर्णय ले सके, धर्म को अपना सके, उसका अनुसरण कर सके, प्रचार प्रसार कर सके। तो भारत के लिए जो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा, संस्कृति और उसके पंथ के संदर्भ में विशिष्टताओं को अपनाने, उसको संगठित करने, देखभाल करने के लिए व्यवस्था करने की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकार के चैप्टर में इस पर और डिटेल में बात होगी, लेकिन पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य यही है कि अपना राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। गणराज्य, यह शब्द भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में एक तकनीकी शब्द है जो कभी कभार लोगों के अनुसार लोकतंत्र के पर्यायवाची के रूप में मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र के पर्यायवाची के रूप में इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता है। गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है, एक ऐसे शासन प्रणाली से है, एक ऐसे राजनीतिक तंत्र से है जो राजतंत्र, कुलीन तंत्र के बजाय गणतंत्र की स्थापना पर बल देता है। और गणतंत्र का तात्पर्य यह होता है कि उस देश का जो सर्वोच्च पद होगा वो वंश पर आधारित नहीं होगा, वो उत्तराधिकार के आधार पर नहीं चयनित किया जाएगा, परंतु उसके बारे में एक निर्वाचन की व्यवस्था होती है कि उस सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का निर्वाचन किया जाएगा, और उस व्यक्ति या वहां पर पहुंचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को छूट होगा, और उसके लिए सामान्य किस्म की शर्तें रखी जाएंगी जो सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जो ये बताता है कि उस देश का जो सर्वोच्च पद है वह वंशानुक्रम या उत्तराधिकार के नियम पर आधारित न होकर के वह चुनाव व्यवस्था के अधीन है, ताकि देश का कोई भी व्यक्ति उस पर प्रयास करके उस पद पर पहुंच सके। भारत में कई ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनका राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहा है, फिर भी वो अच्छा कार्य किए, लोगों ने उनको पसंद किया और वो उस स्थान पर पहुंचे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि वो भारत का सर्वोच्च पद है, संवैधानिक रूप से सबसे वरिष्ठ पद है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। तो ऐसी स्थिति में गणतंत्र का ये अर्थ स्पष्ट होता है, और ये सारी व्यवस्थाएं भारत की राजनीतिक व्यवस्था शासन प्रणाली के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो आपने ये देख लिया समाजवादी, लोकतांत्रिक, पत्रनिरपेक्ष और गणराज्य, इस तरीके से यहाँ पर शासन प्रणाली अपनाई गई है, और इन सारी व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं प्रस्तावना में शामिल करने का प्रयास किया गया है, और प्रस्तावना के माध्यम से पूरे संविधान का एक निचोड़ देने का प्रयास किया गया, एक सार्थकत्व देने का प्रयास किया गया है, भारतीय संविधान निर्माताओं के दर्शन को समाहित करने का प्रयास किया गया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए के एम मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। के एम मुंशी ने इन्हीं सार्थकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान के राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। तो इस तरीके से आपने देखा कि संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत हमने प्रस्तावना का अध्ययन किया, प्रस्तावना के अर्थ, उसके महत्व, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, प्रस्तावना न्याय योग्य है या नहीं, इन सभी बिंदुओं पर पर्याप्त रूप में चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से आपको संविधान के बारे में जो समझने में आसानी होगी। आज का लेक्चर बस यहीं तक है,
आगामी लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक इस टॉपिक के साथ साथ आप अपनी सिविल सेवा परीक्षा के या अन्य सभी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की ईमानदारी और नैतिकता के साथ तैयारी करते रहिए। पुनः एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।